टॉपिक में हम लोग सीखेंगे ईओ मंथ फंक्शन कैसे काम करता है एक्सेल में। तो ईओ मंथ का मैं पहले एक यूटिलाइजेशन बता दूं, एक आउटलाइन बता दूं। ई माने होता है एंड, ओ माने होता है ऑफ, और मंथ माने होता है मंथ यानी कि महीना। महीने के आखिरी दिन को बोलते हैं एंड ऑफ द मंथ, इसको हमने ईओ मंथ बोला है और यहाँ एक्सेल भी ईओ मंथ इसलिए बोल रहा है। तो हमें क्या करना है, क्या देगा हमें निकाल करके, तो देखो मैं बताता हूँ। एक डेट ले लो कोई भी और कितने महीने भी जुड़वा लो इससे, बस महीने जोड़ने के बाद ये जनाब तुम्हें क्या देंगे, एक डेट दे देंगे। और डेट देने का इनका नज़रिया क्या होगा, एंड, एंड माने अंत वाला डेट, बिल्कुल एंडिंग वाला डेट। और उसमें ये भी बताएंगे ये कि कौन सा दिन पड़ रहा है, वीकडे का मतलब होता है कौन सा दिन का, संडे मंडे पड़ रहा है, ट्यूसडे पड़ रहा है, ऐसे करके भी बताएंगे ये। तो चलो ट्राई करते हैं इसके क्या देता था ये। इक्वल टू ई ओ मंथ, और सबसे पहले मुझसे मांग रहा है एक्सेल मेरा स्टार्ट डेट दे। तो चल मैं ये डेट देता हूँ जानबूझ करके, कॉमा मंथ मुझे कौन से जुड़वाने हैं, मुझे इस तारीख में 9 महीने जुड़वाने हैं, और उसमें लास्ट डेट बताएगा ये, इसका काम सिर्फ लास्ट डेट बताना है और वीकडे भी बताता है साथ में, देन प्रेस एंटर। आपको बता रहा है कि जब 9 दिसंबर 2016 में 9 महीने जुड़ेंगे तो सितंबर पड़ेगी, और सितंबर का आखिरी दिन पड़ेगा 30 का, और वो सैटरडे पड़ रहा है, वाह। देन उसी के हिसाब से जब 17/6/2015 में 8 महीने जुड़वाएंगे, तो उसको जुड़वाने के बाद अगर मैं देखूं तो ड्रैग करता हूं, ये गया ड्रैग एंड ड्रॉप। ये बता रहा है कि 17 जून 2015 में 8 महीने जुड़ेंगे तो फरवरी पड़ेगी, और फरवरी 28 की भी पड़ती है, 29 की भी पड़ती है, तो यहाँ बता रहा है 29 की पड़ेगी, और वो भी उस दिन का पड़ेगा मंडे। अब एक्सेल भी होशियार हूँ, मैं भी होशियार हूँ बेटा। माइनस 8 का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब हो गया कि घटा भाई, जोड़ना नहीं है। तो ठीक है भाई, 17 में माइनस 8 का मतलब है घटाने का, मतलब पीछे जाना, तो पीछे ही जा रहा है ये, और पीछे जा रहा है जितने महीने उतने में भी अंतिम दिन निकाल के दे रहा है। 31 दिसंबर पड़ेगा सैटरडे का, शनिवार पड़ने वाला उस दिन को। अगर ये चीज़ आपके कंप्यूटर पर नहीं आ रही है तो मैं बताता हूँ कैसे आएगी। सबसे पहले मैं एक प्रैक्टिकली फंक्शन बनाता हूँ, ये एक डेट है जानबूझ करके 12 महीने जुड़वाने हैं, इक्वल टू आप लगाएंगे ईओ मंथ, तो आपको अपने कंप्यूटर पे ऐसे दिखाई देगा कॉमा, और ये जुड़वा दिए अपने महीने, और आखिरी दिन कौन सा पड़ रहा है उसका बताओ कि तारीख क्या है, ठीक है जी, ऐसे आंसर आएगा। तो अब इसको हम लोग सेटिस्फेक्शन में कैसे लेके आएंगे, अपने फॉर्मेट में कैसे लेके आएंगे, पहले आप इसको बड़ा कीजिए। पहली बात तो ये नंबर हमारा आंसर होता है, बच्चे समझते हैं नंबर आंसर नहीं है, नंबर आ रहा है गलत है, फिर डिलीट करके दोबारा करते हैं, नहीं आंसर है। हमें सबसे पहले ऊपर जाना है जनरल वाले फॉर्मेट में, और यहाँ मिलेगा आपको लॉन्ग डेट का ऑप्शन, ये दिख रहा होगा, ये बस आपको इतना सा काम करके काम खत्म कर देना है। अगर ये स्लैश स्लैश दिखाई दे रहा है तो यानी कि सेल बड़ा नहीं है, छोटा है, और इसका डेटा बड़ा है, तो उसको और बड़ा करो, आपको डेटा दिख जाएगा। अब 4 फरवरी 2021 में जब एक महीना, ये एक साल जुड़ जाएगी, तो 4 फरवरी की जगह अंतिम दिन पड़ने वाला फरवरी का, पर 28 की पड़ेगी फरवरी, और 22 में पड़ने वाली है, कौन सा पड़ेगा दिन उसमें, सोमवार। इसको आप निकाल सकते हो ईओ मंथ के जरिए से, ठीक है।